अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब की खिदमत में अब्दुल रहीम हाज़िर है। तो कुछ देर होगी हमें वीडियो अपलोड करते हुए इस चैनल पे, काफ़ी एक लंबा गैप आ गया। कुछ मसरूफियात थी मेरी, इस वजह से मैं वीडियो लगातार अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इतने लंबे अरसे के बावजूद मैं आप लोगों को भूला नहीं हूँ। मैं दोबारा आज आप वापसी किया चैनल पर, और इंशाल्लाह से आइंदा आपको बाकायदा वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पर, ठीक है। अभी मैं अपने गार्डन में खड़ा हूँ, ठीक है, किचन गार्डन है मेरा ये, ठीक है, जिसमें आप लहसुन, प्याज, पालक, धनिया, बैंगन, मिर्चें, ये सब मिलेंगी जो पहले पहले लगा चुका हूँ, ठीक है। आज मैंने, कल ये मैंने इधर ये शहरी मैंने बनाई है नई, ठीक है, अभी अभी, ठीक है। इसमें भी मेरा दिल है कि इसमें कोई नए बीज लगाऊँ, जो बीज मैंने ये लाए हैं नए, तो मैं बीज आपको दिखाता हूँ। इसमें एक ये बीज है, ये खीरा है, ठीक है। उसके अलावा ये गिया तोरी का बीज है, ठीक है। और देन मैंने ये शिमला मिर्च का बीज लाया है, फर्स्ट टाइम, आगे मैंने कभी ट्राई नहीं की। अभी देखते हैं इसको लगा के, इसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करता रहूँगा मैं। और देन ये आई थिंक खरबूजा है, मेलनस, ठीक है। और ये बाकी सारे बीज हैं इसके अंदर, ये भिंडी, तोरी, कद्दू, खीरा, सारा कुछ। अच्छा जी दोस्तों, ये है शिमला मिर्च का बीज, ठीक है, ये देख सकते हैं अभी। अब मैं ये लगाता हूँ यहाँ पे, देखते हैं कि इसकी क्या प्रोग्रेस होगी इंशाल्लाह। मौसम इनका यही है, इसको लगाने का तरीका यही है कि हल्का सा आपने ये फेंकना है अंदर, और ऊपर से मिट्टी नरम हाथ से लगा देनी है, ज़्यादा सख्त नहीं करनी, दबानी नहीं कि आपका बीज अंदर ही दब जाए। और गैप थोड़ा ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ये बड़ा पेड़ बनता है, तो इसलिए बिस्मिल्लाह, ये मैंने को लगा दिया बीज। इसी तरह हम यहाँ पे लगाएंगे, और इस तरह सारे हम इधर लगा देंगे, ठीक है। तो जी ये अब देख सकते हैं, अब ये भिंडी के बीज है, ठीक है, ये हाइब्रिड भिंडी है। तो ये छोटा सा पौधा हो तो ये मतलब जल्दी ये फल इस पर आ जाता है। तो ये जो मेरा लहसुन लगा हुआ है, इसके बीच में मैंने ये गोटी करके इसके बीच में लगाऊंगा, क्योंकि लहसुन का भी जो वक्त पूरा होने वाला है, गालबन एक महीना रह गया, तो ये गोटी की है मैंने इसके अंदर ही मैं। अच्छा जी, इसी तरह ये सारे क्यारे में हमने ये लगा देने के, ठीक है। अब ये थोड़े से गैप पे दोबारा एक बीज लगा दूंगा, ये पहंगा मैंने हल्के हाथ से ऊपर लगा देना है, और ये ऑलमोस्ट 10-12 दिन का टर्नओवर होता है। इसी तरह ये फिर थोड़ा सा गैप, एंड देन अगेन आपने ये लगा देनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ये क्या रहा हमने जो बनाया है, ये इसमें हमने शिमला मिर्च लगाई, और बीच में हम लगाएंगे ये भिंडी। इसी तरह हमने इस क्यारे में जो लहसुन था उसके दरमियान लहसुन था, ये सारा जो क्यारा है, ये छोटा क्यारा है जो लहसुन का, इसमें लहसुन ज़रा अच्छा नहीं हुआ अब इनकी नस्बत। ये देखें आप, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा लहसुन हुआ, ये सारे, ये देखें इसका, ये देखें तना इसका कितना मोटा है माशाल्लाह, ये बड़े अच्छे ग्रो किया है इसने। लेकिन ये क्यारा जो है ये ज़रा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इसमें हम अब गोटी करके बीच में बीज लगा रहे हैं, लेकिन इसमें हम लगाएंगे ये वाले हाइब्रिड बीज, ठीक है, ताकि ये इलादा हो सके। पहला तजर्बा है हमारा, तो देखते हैं कि कैसा ये रहता है। और बाकी क्यारियों में ये जो देसी भिंडी है हमारी, तो ये मैं चेक करूँगा, ये बाकी में, ये इन क्यारों में, बाकी इन क्यारों में मैं ये जो बड़े क्यारे हैं ये अपनी देसी भिंडी लगाऊंगा, और इसमें हम ये हाइब्रिड भिंडी लगाएंगे, ठीक है। Thank you.
अच्छा जी, आज मैंने आपको वीडियो दिखाई जिसमें हमने क्यारा बनाया वो दिखाया, बीज दिखाए जो हमने अभी लगाने हैं सीज़न गर्मियों के सीज़न में, प्लस ये थूम की जो गोडी की उसके अंदर जो भिंडी लगाई हमने, शिमला मिर्च लगाई इस एरिए में, ठीक है। तो आज ये हमारी वीडियो ये का टॉपिक यही था, आपको अपना दोबारा से आपके सामने आना और ये अपने रोज़मर्रा की रूटीन मामला दिखाना आप लोगों को, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, कमी बेशी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।